आपकी लाइफ में एम जितना बड़ा उतना ही मुश्किल रास्ता भी होगा, लेकिन यकीन मानिए मंजिल पे पहुंचने के बाद मजा भी उतना ही ज्यादा होता है। गुड मॉर्निंग गाइस। सो कपड़ों से आपको पता चल ही रहा होगा कि यहाँ पे कितनी ठंड है, माइनस में है और स्नोफॉल भी हो रहा है हल्का हल्का। हमने थोड़ा डिले किया है, अभी बजे है सुबह के 7, हम 6 बजे निकलने वाले थे लेकिन बिकॉज ऑफ द बैड वेदर वी डिलेड। सो आज का टारगेट ये है कि हम बाय द इवनिंग गोरखशेख तब पहुँचेंगे और पे करके निकलते फटाफट। चलो फिर सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम द डे 8 डे 8 ऑफ द ट्रैकिंग फ्रॉम थुकला विलेज 4620 meters राइट फ्रॉम द बेकरी निकल रहे हैं हम लोग। सुबह के 7:30 बजे हुए हैं अभी और वेदर अभी भी आप देख ही सकते हो कि कैसा है यहाँ पे दिस राइट। तो ठंडी तो कितनी है आप समझ ही रहे हो, बट जर्नी अपने को कंटिन्यू करना है इन पहाड़ों से होते हुए। सो चलो फिर कंटिन्यू करते हैं और दिखाते हैं आपको आज के नज़ारे। यहाँ की ठंड ने हमारी आज की स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट ला दिया, जहाँ पे हमें 2 ग्लव्स भी कम पड़ रहे थे आज। वो वाले गांव से चल के आए अभी, आधा पौना घंटा लगा, राधा ये लोग आ रहे दोनों नीचे। रात को मुझे थोड़ा सा हल्का हल्का सिर दर्द होने लगा था तो मैंने बहुत वो गर्म पानी पी लिया थोड़ा, और उसके बाद से आज मैं बहुत ज़्यादा पानी पी रहा हूँ। आपको AMS होता है क्योंकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, आप चलते हुए पानी कम पीते हो, उसके बाद जब डायमोक्स लेते हो तो आपकी बॉडी को फिर से डिहाइड्रेट कर देता है, आपको पानी की कमी हो जाती है। और तो सबसे अच्छा रास्ता ये है कि यार पानी ज़्यादा पियो ना शुरू से ही। आज मैंने 2 लीटर भर लिया इसके अंदर अपना जो हाइड्रेशन पैक है राइट। चलते चलते भी चलते चलते कभी पानी पीना नहीं, सांस में वो अटक जाता है हर बार गले में, ये मैंने नोटिस कर लिया है। तो रुको 2 मिनट सांस लो और पानी पियो, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। AMS होने नहीं दूंगा और बिना AMS के EBC करके और फिर ही घर जाऊंगा। नाक में से भी पानी आता है, पसीने में भी पानी निकलता है। सो यू नीड मोर एंड मोर वाटर व्हेन यू आर हाइकिंग एट सच हाई एल्टीट्यूड। थोड़ी देर चलने के बाद हम एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जिसके बारे में हमने काफ़ी सुना था और फाइनली आज हमें इसे एक्सपीरियंस करने का मौका मिलने वाला था। लेट बाबू चिरी, बहुत सारे मेमोरियल बने हुए हैं यहाँ पे फॉर द पीपल हु डाइड ऑन द वे टू एवरेस्ट। मिस्टर स्कॉट फिशर हु डाइड ऑन माउंट एवरेस्ट 1996। The 7 climbers have been killed in terrorist attack when they were climbing Nanga Parbat in Pakistan. काफ़ी सारे जो माउंटेनियर्स थे उनके बारे में यहाँ पे बनाए हुए हैं। इन बादलों के बीच बड़े बड़े माउंटेन्स में हम लोग पहुँच चुके हैं लो बू चे 5000 meters एलिवेशन पे। Finally. Finally, we are 5,000 meters. Yay! We are on 5,000 meters. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Oxygen altitude में खाना खाएंगे, क्या पता ऑक्सीजन ज़्यादा मिल जाए। ये देखो पूरा स्नो सारा गिरा हुआ है छत पे से, कल भी स्नो गिरा था वहाँ थे, यहाँ पे भी स्नो गिरा है।
प्लास्टिक तेरे यहाँ पे लग गया है। सो ऑक्सीजन में खाना खाने के बाद और ऑक्सीजन लेने के बाद आज का फाइनल डेस्टिनेशन है गोरखशेप। राधा पूरी पैक हो गई है, मैं भी चश्मा लगा लूंगा क्योंकि अभी ये जो माउंटेन से रिफ्लेक्शन आ रहा है वो बहुत ही तेज है, आंखों में चुभ रहा है। इसी के लिए हम लोग खास सनग्लासेस लेके आए थे, उसी को यूज करेंगे हम अब। सो कैसा लग रहा है सीरीज, एंजॉय कर रहे हो? आई होप कि एंजॉय कर ही रहे होंगे, तभी इतने एपिसोड देख लिए हैं आपने। तो भैया थोड़ा बहुत लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी बनता है। आपको मैं ज़रा बता दूँ, आज हमें 8 दिन हो गए हैं ऐसे ही चलते हुए, लेकिन सच को ये 8 दिन हमारे लिए कुछ आसान नहीं थे और आज इतने दिनों की मेहनत का फल शायद हमें मिल रहा था ऐसा हमें लगा, क्योंकि अब हम चारों तरफ स्नो माउंटेन से घिरे हुए थे। एक तरफ हम इन वादियों का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आगे का कठिन रास्ता शायद हमारा इंतजार कर रहा था। ठंडी बहुत बढ़ गई है क्योंकि चारों तरफ बर्फ की पहाड़ है। ओह माय गॉड, सो आई थिंक अब स्नोफॉल थोड़ा तेज हो गया है एंड वी शुड वियर द रेनकोट्स। तो अभी मैं रेनकोट में कुछ ऐसा दिख रहा हूँ, पीछे से मेरा बैक कवर हो चुका है, आगे से मेरा मुंह एंड टोपी। राधा ने भी रेनकोट लगा लिया। अब तो भाई ये तूफान बन गया स्नो का, और रास्ते में मार्किंग भी कहीं दिख नहीं रहा है कि कहाँ जाना है। रास्ते में आदमी मिला, बताया 1 घंटा और है गोरखशेप, तो अभी इस तूफान में ही चलना पड़ेगा। पूरा स्नो स्नो जमा होने लगा है, अब धीरे धीरे रेनकोट पे भी जम गया है। सो गाइस द वे टू गोरखशेप इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, यू कैन सी दिस टेरेन टोटली पत्थर है, और ये खुम्बू ग्लेशियर है, और ये शायद से नुप्त से या लौत से में से एक है। और ये व्यू अगर मैं नहीं दिखाया तो ये सीरीज बनाना बेकार हो जाएगा। यहाँ से शुरू करते हैं, दिस वन ये, इसके बाद में ये, और देख रहे हैं शाइन दिस वन इज जाइगेंटिक। आशा करते हैं कि आपको हमारा ईबीसी सीरीज पसंद आ रहा होगा। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, तो नेक्स्ट और फाइनल एपिसोड आप मिस नहीं करेंगे। तो स्नो का तूफान, बारिश के छींटे और घंटों घंटों की पहाड़ों की चढ़ाई करने के बाद आखिरकार हम पहुंच गए कहां पे, गोरखशेप। 5 घंटे से लगातार इन पहाड़ों में चल रहे हैं, पत्थरों में, और ये मजेस्टिक माउंटेन्स के बीच में है गोरखशेप। सबसे पहले थोड़ा खुम्बू ग्लेशियर पे नजर डालो, फिर कैमरा पहुंचेगा गोरखशेप। ये है अपना आज का डेस्टिनेशन गोरख। चलते हैं गोरखशेप, बुक करते हैं रूम। स्नो माउंटेन से पूरी तरह घिरा हुआ गोरखशेप एक छोटा सा गांव है जहां पे करीब 5 से 6 टी हाउसेस बने हुए हैं, और ये सबसे लास्ट विलेज है जो एवरेस्ट बेस कैंप से पहले आता है, जहां पे पहुंचना सच कहूं एक अचीवमेंट से कम नहीं है।
सो विद दिस लास्ट लाइट ऑफ द डे फाइनली हम लोग हमारे रूम में आ गए हैं, टायर्ड लाइक हेल। और रूम भी हमको एक ही दिन का मिला है आज का, कल के लिए बुकिंग ऑलरेडी फुल है, तो उसने बोला कि अगर कल रुकना है तो डॉर्मेट्री में मिलेगा, नहीं तो आज के लिए इतना ही है। एनीवेज जो आया सो पाया। माय गॉड, बहुत थक गए आज तो। पत्थरों में ऐसा चले हैं, पत्थरों में 12:30 बजे निकले थे, ये 6 बजे पहुंचे हैं। वैसे तो शाम हो गई है और यहाँ पहुँचते ही सबसे पहला काम हम लोगों ने किया, गरम पानी। सो बहुत सारा चलने के बाद अब डिनर टाइम हो गया है। मैंने आज मंगवाया है फ्राइड पोटैटो विथ वेजीज और राधा ने मंगवाया है शेरपा स्ट्यू। तो अभी थोड़ा सा खाना पीना खाया जाएगा, उसके बाद फिर रूम में जाके सोया जाएगा। सो डिनर करके हम अपने रूम में आ तो गए हैं, बट ठंड बहुत खतरनाक है, -10 से भी कम ही होगा ऐसे। सो हमने थोड़ा जुगाड़ किया है, ये दो सेपरेट बेड को एक कर दिया और हमारा जो स्लीपिंग बैग था वो नीचे लगा दिया और 3-4 लेयर्स हम ऑलरेडी पहन के रख। सो सर्वाइव के लिए सब करना पड़ता है गाइस। सो अगर आप यहाँ आते हो तो एक्स्ट्रा लेयरिंग के कपड़े ज़रूर ले के आए। सो अभी तो बहुत थक गए, करीब 8 बज गए हैं, कल का प्लान कल बताते हैं, गुड नाइट। सो अभी रात के 1 बजे हैं और बहुत डिहाइड्रेट फील हो रहा है, गर्म पानी पिया और मैंने डाइमोक्स लिया है एंड सेकेंड टाइम उठ के हम पानी पिया हम दोनों ने। आई गेस दिस वन ऑफ द मेजर EMS सिम्टम्स। सो टेक केयर, यहाँ पे इसको इतनी आसानी से मत लीजिए, देखते कल सुबह कैसी कंडीशन है फिर जाएंगे आगे। We made it to Everest Base Camp. Yay! It's a lot of hard work.